नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ओके ओके अद्वैत आयरन यू आर नॉट विजिबल। ओके हियर आयरन आदित्य कृष्णा नॉट विजिबल। ओके प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो माय डियर्स। ओके तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या चर्चा किया था। यस लास्ट क्लास में दोहे किसका दोहा कबीरदास द्वारा लिखित दोहा हमने चर्चा किया था। वेरी गुड। तो हमने कबीरदास के बारे में देखा और कबीरदास के पहला दोहा हमने देखा क्या है इसका मीनिंग और आशय क्या है ये सब कुछ हमने देखा। ओके सो नेक्स्ट वी कैन मूव टू आई थिंक सेकंड वन आल्सो वी स्टार्टेड राइट शुरू किया था मीनिंग्स एंड ऑल वी रोट राइट। एक और बात देखिए कबीर की साखिया कबीर के बारे में आपको क्या क्या पता है अविलास लक्ष्मी नंदा कबीर के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कबीर के बारे में वो उनका जन्म वर्ष के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिली राइट लेकिन उनका जन्म स्थान वाराणसी में है। देन वाराणसी या मैम भाषा के बारे में सदुकड़ी भाषा है। देन सदुकड़ी मुख्य कृतियां हमने डिस्कस किया था वो क्या है साखी सबद रमायणी बीज गोल्सो। ओके देन क्या क्या नेक्स्ट पॉइंट भक्तिकालीन कवि है वो भक्तिकालीन कवि है। देन ओनली दैट। ओके 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 क्या क्या है उनका जन्म स्थान वाराणसी में है और भाषा सदुकड़ी है मुख्य कृतियां साखी रमायणी बीजक। यस देन एक और बात वो क्या क्या लिखते थे विधायें दोहा। ओके ओके एनीवन कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट दोहा का मीनिंग फर्स्ट दोहा जादी ना पूछो साथ की पूछ लीजिए ज्ञान। यस मोल करे तरवार की तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। यस मीनिंग उनका मीनिंग है जब हम कोई साथ से मिले उनकी जादी हमें नहीं पूछना चाहिए उनके मिला वो ज्ञान हमें पूछना चाहिए। कवि कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि जब हम कोई तरवार लेने के लिए जाते हैं हम वो तरवार को मूल्य देते हैं उसकी म्यान को नहीं। क्या म्यान को नहीं। वेरी गुड आदिकेश वेरी गुड। एनीवन एल्स एनीवन आई थिंक रुद्रा विल ट्राई रुद्रा जस्ट ट्राई इट पहला दोहा का क्या मीनिंग है यस रुद्रा पहला दोहा का क्या मीनिंग है रुद्रा ma'am I don't have the textbook ma'am no don't come with a excuse rudra like that ma'am Lynette yes Lynette please ma'am should I read the read it jati ne poocho saath ki pooch liji bol karo tarwar ka Lynette one minute please mute your audio my dears anyone is No, everyone did. Okay, thank you. Okay, Lynette, please. This means हम संत लोगों को जादि नहीं पूछो, साथ की ज्ञान में पूछो.
ज्ञान के बारे में पूछो, एक उदाहरण, एक उदाहरण का पीर कहता है, हम तलवार लेने में जाए तो हम तलवार में मोल करो और हम मूल्य तलवार में करो करो और म्यान में नहीं। म्यान क्या है? म्यान तलवार रखने की वस्तु। तलवार रखने के लिए हम एक वस्तु का प्रयोग करते हैं ना, यूज करते हैं ना, वो वस्तु है म्यान। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू लेनन। सो आई थिंक वी कैन मूव टू सेकंड वन। ओके, मीनिंग्स एंड ऑल वी ऑलरेडी रोड राइट माय डियर्स। यस, ओके, देन वी कैन गो टू द मीनिंग। देखिए वदोहा आवद घारी एहे उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। सेकंड दोहा में कबीर दास जी कहता है, हम दूसरों से गाली नहीं देना चाहिए। गाली देना मने बैड वर्ड्स कहना, बैड वर्ड्स दूसरों से हम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति हमको गाली देता है सो हम रिप्लाई के रूप में गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी समय वो गाली की संख्या इंक्रीज हो जाती है। राइट, अगेन हम माउन पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? अगेन हम माउन पढ़ता है तो गाली का गाली की संख्या क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, कम हो। यदि हम माउन पढ़ता है तो गाली की संख्या माउन हो जाती है, सॉरी कम हो जाती है। सो हम माउन रखना चाहिए। ओके, किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए। एक और बात देखिए बच्चों, आवत घारी एक है, यदि एक व्यक्ति हमको गाली देता है तो हम एक रिप्ले के रूप में उसे गाली नहीं देना चाहिए, बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम इस प्रकार बैड वर्ड्स कहे तो क्या हो जाता है? वो गाली की संख्या बढ़ती है। यदि हम माउन रहता है तो गाली की संख्या कम हो जाती है। तो सेकंड दोहा में कबीर दास कहते हैं, हम किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हम किसी से बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए। ये है सेकंड दोहा का संदेश। ओके, सो पहला दोहा में कबीर दास ने ज्ञान की इंपॉर्टेंस देता है, ज्ञान या नॉलेज की इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन सेकंड दोहा में टोटली डिफरेंट है। सेकंड दोहा में कबीर दास बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए, किसी से बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए, इसके बारे में कहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर्स। वी कैन मूव टू द मीनिंग्स। आशय, आशय वी कैन रीड। ओके, सेकंड वन का आशय, फर्स्ट वन वी ऑलरेडी स्टडीड, आई एम मूविंग टू सेकंड। देखिए आशय, कबीर कहते हैं यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलट कर उसे भी गाली देते तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम माउन रहते तो गाली की संख्या कम हो जाती थी और वो गाली की संख्या एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर कहते हैं हम किसी से या किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, अच्छी तरह से बातें करना चाहिए, हम दूसरों से अदर्स के साथ अच्छी तरह से बातें करना चाहिए, बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए। ओके, आई गॉट, आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर्स। आई थिंक हु विल रीड दिस? या कृष्णा कैन रीड। कृष्णा प्लीज रीड आशय। मैम आशय, कबीर कहते हैं यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलट कर उसे भी गाली दे तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम मौन रहते तो गाली की
संज्ञा एक ही रहती है, एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर कहते हैं किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ओके, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। देन ओके अलना प्लीज, अलना जिनसन एचसी। यस मैम। आशे, कबीर कहते हैं याति कोई हमें गाली देते हैं और हम पर्यटक उसे भी गाली दे गाली दो तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। याति मैंने रहते तो गाली की संख्या एक ही रहते, एक से अनेक नहीं होती। Yes. Saiba, Andrin, thank you, dear. Henin, Andrin and Saiba, you are not visible here. Please turn on your video. Turn on your video, Saiba. Should we write this in the notes? No need. Notes and all I will send. Saiba, turn on your video. Saiba, Andrin, Henin. Okay. Henin, I can see now. Andrin and Saiba, turn on your video. Okay, Irene, you can read. Ashay. कबीर कहता है यहाँ यानी कोई यदि कोई हमें गाली देता है और हम My dear, pronunciation देखिए, it's not गली, गली means street, it is गाली, okay Irene, गाली, okay read. गाली देता है और हम पलट कर उसे भी गाली देते गालियों की संख्या बढ़ती चले जाते जाएगी। यदि हम मौन रहते तो गाली की संख्या एक ही रहती, एक से अनेक नहीं होती। वेरी गुड। वास्तव में वास्तव में कबीर कहते हैं किसी के अवश्य नहीं कहना चाहिए। थैंक यू माय डियर। ओके, सो देखिए वो सेकंड दोहा में कबीर क्या कहते हैं, हेनिन कैन यू से क्या है इसका मीनिंग, सेकंड दोहा में कबीर दास क्या कहते हैं, अपने ओन शब्द में बताइए, हिंदी में ट्राई कीजिए। ओके, हिंदी है ना हमारा सब्जेक्ट, सो हिंदी में ट्राई। Yes, Henin. I will help you. Okay. Yes. Henin, can you hear me? Henin have some problem with connectivity. Okay. Benedict, just try it, Benedict. Yes. Please. सेकेंड दोहा में कबीर दास जी क्या कहता है, बेनेडिक्ट कैन यू हियर मी मैम? यस हेनिन, क्या है सेकेंड दोहा का मीन? आश ट्राई कीजिए हेनिन। I think Henny have some problem with the connectivity. Anugrah, just try kiji. Anugrah, try kiji. Second doha ka kya meaning hai? Second doha ka kya meaning hai? Try kiji. Kya aashay hai second doha ka? Yes. Ah. स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करो। आवत गरी, यस सेकंड दोहा है ना, दैट आई विल रीड। आवत घारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। वो इसका आशय क्या है?
आपको क्या पता चला सेकंड दोहा का क्या आशय है? यस अनुग्रह, वी आर वेटिंग. ओके इंग्लिश में ट्राई कीजिए, देन हिंदी में वी कैन. फर्स्ट इंग्लिश में ट्राई कीजिए. टाइम इज गोइंग फास्ट फास्ट. Anugrah, oh, don't say like this, Anugrah. Let ask me. Yes, Lena, please. Should I read the doha? No need. Ashena. Second standard stanzas. Second doha. Doha ka ashe. Doha ka meaning is that एक आदमी हमने गाड़ी लिखता है. गाली देता है. Yes. और हम गाड़ी नहीं पूछो, गाली नहीं गाड़ी का, गाड़ी का उल्टा पूछो. कबीरदास कहता है कि हम गाड़ी गाड़ी नहीं पूछो, हम हमारा हमारा गाड़ी गाड़ी संख्या बढ़ती जाएगी. ओके, यदि हम मौन पड़ता है तो गाली की संख्या कम रहे, कम हो जाती है. वेरी गुड. सो कबीरदास क्या कहता है, हम किसी से गाली नहीं पूछ, गाली नहीं देना है किसी से, अब शब्द नहीं कहना चाहिए. ओके, थैंक यू लेनर, अपने ट्राई कीजिए. ट्राई किया, वेरी गुड. देन शिवन्या कैन यू, शिवन्या सेकंड वन का आशय अपने ओन शब्द में. यदि कोई हमसे गाली पूछो कहने के समय हम भी उसको गाली कहते हैं तो गाली के संख्या बढ़ते जाते हैं. वेरी गुड. यदि हम माउन रखे तो इसका संख्या कम हो जाएगी. ओके, सो हम क्या करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं कि हम गाली नहीं कहना चाहती थी, हम दूसरों को अपशब्द नहीं कहना चाहती. यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिवन. गुड गुड. सो अनुग्रह लिसन केयरफुली. ओके, नेक्स्ट यू आर चांस. ओके अनुग्रह लिसन, सेकंड दोहा का आशय है कबीरदास जी कहते हैं हम किसी से यदि एक व्यक्ति हमको या हमसे क्या है गाली देता है, हमको गाली देता है, गाली माने बैड वर्ड्स कहता है. सो हम रिप्ले या पलट कर या उल्टा के रूप में जवाब नहीं देना चाहिए. हम रिप्ले के रूप में अगेन बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए. यदि हम अगेन बैड वर्ड्स कहते हैं तो वो बैड वर्ड्स की संख्या क्या है बढ़ती है. यदि हम माउन साइलेंट रहते तो वो बैड वर्ड्स की संख्या कम हो जाती है. सो कबीर कहते हैं हम किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए. सो इट्स ओके अनुग्रह, नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क. ओके, आई एम मूविंग टू थर्ड दोहा. लिसन केयरफुली, वी कैन राइट द मीनिंग्स एंड. ओके, देखिए, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुह मुख माही, मनवान तो दहुं दिसी फिरे ये तो सुमिरन नहीं. ये है हमारा थर्ड दोहा, बिहारी सॉरी कबीरदास द्वारा लिखित हमारा थर्ड दोहा. इसका मीनिंग देखिए, माला, माला माने हमारे हम मलयालम में यूज करते हैं ना सेम वर्ड माला, मनगों की माला है वो, मीन्स मनगों की माला में जपमाला है. जपमाला मीन्स हमारा हाथ सॉरी हमारा गले में हम क्या है इस प्रकार के भक्ति के लोग. आई विल शो वन पिक्चर देन यू कैन अंडरस्टैंड. देखिए इस चित्र में क्या देख सकते हैं आपको, आई थिंक लेट मी आस्क. I mean, can you see one picture here? Two pictures are there. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला चित्र में क्या है, Amin? पहला चित्र में क्या है? पहला चित्र में, Amin? English में बताइए, कोई problem नहीं. पहला चित्र में क्या है? संत लोग. Very good. हिंदी में बताइए. संत लोग. कुछ लोग हैं. वो जब माला पे उनके गले में क्या है एक माला है, देन उनका हाथ इस प्रकार क्या क्या है कोई गीत
भगवान का गीत गाकर वे आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में क्या है अमीन? मेंट। उनका हाथ में क्या है? अगॉन। या सेकंड पिक्चर देखिए। सेकंड पिक्चर में अश्मित, सेकंड पिक्चर क्या है? ब्राह्मण। एक ब्राह्मण, एक संत, लाइक एक भक्ति का एक व्यक्ति। उसके हाथ में एक माला की तरह। उनके हाथ में एक है। देन किसके साथ वो बैठा है? कृष्ण। एक भगवान, कृष्ण भगवान के साथ वो बैठा है। सो दोनों पिक्चर देखिए। पहला चित्र में क्या है? उनके हाथ में बहुत सारे वस्तुएं हैं। उनके हाथ में या उनके वो गले में एक माला है और वो भगवान के वो गीत गाकर वो आगे बढ़ता है। लेकिन सेकंड पिक्चर में वो क्या है? एक भगवान और एक भक्त, राइट? वो एक साथ बैठे हैं। ये है भक्ति। ओके, सो सेकंड हमारा थर्ड दोहा भक्ति के बारे में है। थर्ड दोहा भक्ति, हम किस प्रकार का भक्ति होना चाहिए? क्या है? टू टाइप्स है हमारा भक्ति। पहला भक्ति बाहरी दिखावा है, दूसरों को दिखाने के लिए। हम बहुत मेरा मन में बहुत सारे भक्ति है, ये दूसरों को दिखाना चाहिए। इसके लिए हमेशा मंदिर जाता है, टेंपल जाता है, मॉस्क जाता है। ओके, ये दिखावा है। दिखावा इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? दिखावा के लिए एनीवन? शो। जस्ट शो। या वन मोर वर्ड इज देयर, शो। इट्स वी आर यूजिंग locally we are using. Anyway, show. Yeah. दूसरों को दिखाने के लिए। Then second type भक्ति असल भक्ति है। वो मन से प्रार्थना करता है, वो असल भक्ति है। पहला भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए, उनके हाथ में उनका गले में माला है, हाथ में बहुत सारे things है, वो ईश्वर का भक्ति गान गाकर वो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग है। लेकिन सेकेंड पिक्चर में हमने देखा भगवान है, एक भक्त है, वो एक साथ बैठे है। वो भक्त वो ईश्वर के पास बैठे है, मन में बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं। देखिए, सो हमारे थर्ड दोहा किससे संबंधित है बच्चों? भक्ति से संबंधित है। पहला दोहा नॉलेज, ज्ञान से संबंधित था। सेकेंड दोहा अबशब, गाली या कैसे बातें करना चाहिए दूसरों से, इसके संबंधित था। थर्ड वन भक्ति से संबंधित है। देखिए मीनिंग लिखना है। ओके, माला, माला मीन्स जपमाला। जपमाला मीन्स हमारे गले में हम इस प्रकार के लोग वियर करने वाले माला, जपमाला। जपमाला इज पर्ल, पर्ल और फ्लावर्स का डिफरेंट टाइप्स है जपमाला। कर, कर मीन्स हाथ, हैंड। कर हैंड, या हैंड हाथ। कर में फिरे, नेक्स्ट वर्ड आई मूविंग, आई मूव टू नेक्स्ट वर्ड। जीबी मीन्स जीब, इट इज टंग। यस फिरे, फिरा मीन्स हाथ में लेना, समथिंग होल्ड, फिरना। ओके, जीबी मीन्स जीब, टंग, टंग, टंग। देन अगेन द सेम वर्ड इज कमिंग, फिरे। देन आई मूव टू नेक्स्ट वर्ड, मुख मीन्स मुख, माउथ, माउथ, MOUTH, माउथ। माही मीन्स मेम, मेम। माही मीन्स मेम, इन, इन, INN। I'm going to second line. Manuvam means man, mind. Manuvam means mind, man, man. The whom means thus, ten. The whom, thus, ten. Ten, the whom, ten. Ten. Disi means disha, direction.
डीसी मीन्स दिशा डायरेक्शन, हिंदी में हम इसे दिशा कहते हैं, डायरेक्शन इंग्लिश में. Again the same word, Siri. Can you repeat the last one? That one. Last one means manuva. Man. No, after that. After that, the whom. Thus. The whom. Ten. T-E-N, ten. Disi, okay. Disha, direction. Then, I'm moving to next word. Sumiran, smaran. Kya hai smaran karna? Yaad karna, remember. स्मरण. नाहीम, हिंदी का नहीं, नो, नहीं, नहीं, नो. सो इस प्रकार है इसका मीन. एक और बार देखिए, माला जपमाला, मनकों की माला, हमारा साधारण वो सन्यासी संत लोग यूज करने वाले वो माला. कर मीन्स हाथ, फिरना मीन्स हाथ में लेना, हाथ में होल्ड करना. जीबी मीन्स जीब, टंक. देन मुख, मुंह. माही में. देन मनवा मीन्स मन, माइंड. द हुम दिसी मीन्स दस, दिशाए मीन्स टेन, डायरेक्शन. सुमिरन, स्मरण, याद, रिमेम्बर. नाही, नहीं, मत, नो. ओके. सो नेक्स्ट क्लास आई विल से द आशय. ओके, सो क्या करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में? सेकंड दोहा अच्छी तरह से पढ़कर आना चाहिए. ओके मैम. ओके, फर्स्ट दोहा, दोस हु डिडंट स्टडी इट, स्टडी वेल. फर्स्ट दोहा, सेकंड दोहा, टुडे इट्स ऑफ यू स्टेट. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दोहा. Okay. Ma'am. Yes. Any doubt? Ma'am, what do you mean by Sumiran? Smaran, yaad. No, ma'am. Remember. Smaran, yaad. Hindi mein yaad. Ma'am, after Smaran. Nahi. After Sumiran. Nahi. Hindi ka nahi. Nahi. Advait, maybe your connection problem. Others can hear, I think. Okay, Advait. Yes. So, next class mein, second doha, achi tarah se padhna chahiye. I will ask to everyone, first and second doha. After that only, I will move to third one. Okay, study. Well, okay, so next class mein. Bye all, see you. Tata, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dhanyavaad. Thank you, ma'am. Dhanyavaad. Dhanyavaad.